यार, हट जाओ यार, यार क्या कर रहे हैं यार, हेलो जा रहे ताई जी जा रहे बाहर निकल यार, हेलो यार पीछे उठो यार, क्या कर रहे हैं यार, वो नहीं आ रहे हैं सामने पूरे पंजाब के सारे ही मीडिया का सब तह दिल इतने पहुंचने के धन्यवाद करते हैं। सारे बेनती है डिसिप्लिन में रहो, एडजस्टमेंट हो गया, आवाज नहीं आ रही जी, आवाज नहीं आ रही सर। चौबी घंटे मेंबरशिप ड्राइव शुरू हो गई थी अज तो 10 दिन पहला तजुर्बा इलेक्शन बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट की तरह होंगी है, जिहड़ियां तो पिछलियां इलेक्शन रही उन्होंने सर्वेज कराए, तुहाडा हुण मुकाबला काडर बेस्ड पार्टीज दे नाल हैगा, टाइम बहुत थोड़ा हैगा कोड लगन वाला। कैंडिडेट अपनी
मैं अपनी गल दसदा थोड़ा 1980 विच अजीत सिंह सरहदी नाल मेरी पार्लियामेंटरी चोन की लड़ाई हुई और वो अजीत सिंह सरहदी की सीट अकालिया ने चार महीने पहले अनाउंस की थी मैंने 14 दिन मिले तो एक डन अजीत सिंह डोंट मैटर। कैप्टन साहब जिस तरह से बातचीत चल रही है तो कांग्रेस गवर्नमेंट कह रही है कि पहले वो काम नहीं किए जो उन्होंने कुछ ही महीनों में पूरे कर दिए लगातार इश्तेहार दिए। पहला तो मैं तुम्हें दसना चाहता है मैं हंसी हो रही है जब मैं देख रहे हैं पेजा के पेज कि आज 100 करोड़ इतने 200 करोड़ इतने इन्हों पता भी है नंबर वन प्लानिंग स्टेज तो लैके इंप्लीमेंटेशन चार महीने तक लग सकता है। वर्ल्ड बैंक का मसला है एशिया डेवलपमेंट बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की केयर कॉस्ट शेयरिंग बेसिस से जो भी असं करते हैं ये तो सब ड्रामा कर रहे हैं इन्हों पता है सारे को ये कुछ नहीं होना 2 हफ्ते कोर्ट लग जानी है फिर मैं थोड़ा दसना मैं दसना चाहता है और मैं गारंटी ना ये की है सारे लोग क्या है कि जिन्होंने और अज कोई विशाल आई हैव बीन सेइंग दिस मेरा ख्याल पता नहीं कितने साल कितने महीनों तो कि कौम अकाली इस पंजाब के जो असी प्राप्ति की है जो साड़ी मैनीफेस्टो सी 92% वी हैव कंप्लीटेड और मैं कल के दिते एडे थमे पे ने मेरे को जरा थोड़े बच्चों देखना चाहते यू कैन कम एंड सी इट चंद्र बाबू नायडू इन आंध्र प्रदेश उस तो बाद एक रिकॉर्ड है किसी ने आर गवर्नमेंट मेरी गवर्नमेंट जिन्हें बीजेपी ये कह रही है कि अभी 117 सीटा दे रही चल रहा हो गया जी हो गया सर मेरा जी गया यार Chief adjustment was the people go let us our orders. Captain sir, I can't tell you number. I can't say कि साढ़े नौ दस साउंड गए या साढ़े पचास हो गए या सौ हो गए मैं तो ये दस सकता है कि मेरी रिक्वेस्ट होगी टू बोथ पार्टीज लेट अस पिक विनर्स अगर टीलसा साहब का विनर है मैं सपोर्ट करूंगा और बीजेपी भी करूंगी आई एम श्योर अगर बीजेपी का कैंडिडेट है सारे रख के करा साडा कैंडिडेट होगा आई एम श्योर उन्होंने रख के सारे रख करेंगे बिकॉज सारे का मुद्दा एक है खब्बियां सज्जियां बाहां रहे ने ते राइट हैंड रहे ने ओह कदों तुहाडे नाल दिखण नूं मिलणगे विधायक ने बाबा जी खड़े ने लुकिंग आफ्टर अमृतसर मैनू कहते हैं बारह कैंडिडेट हो गए
So I said doesn't matter to keep them on there. We will then send this election committee back to they will choose. Lekin tusi gal kar rahe ho MLA aur MP no sitting nahi. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਮ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹ ਬਚਣ ਬਚਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਫੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਚ We will create people who we want, we think can fit our ideology and the way they are with us. ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਸਹੀ ਕਿ 35 ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬਦਲ ਦੇਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿ ਲੈ ਕੇ 35 ਦੇ 35 ਅਸੀਂ ਲੈਣਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਲਿੱਪ ਮਾਰਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਲਿੱਪ ਮਾਰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕੀ ਕਰੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਲਿੱਪ ਮਾਰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਡਾਲ ਕਲਿੱਪ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਆਈ ਪਾਸ ਟੈਲ ਯੂ ਨਾਓ ਮੈਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਤੇ ਕਾਹ ਮੇਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ जो पंजो असी तीनों पार्टियां कट्ठिया होंगी फिर एक गल अंडरस्टैंडिंग ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ 307 ਸਰ ਇਸੇ ਸੇ ਜੁੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਨੇ ਵਾਲੇ 1 ਹਫਤੇ ਕੇ ਭੀਤਰ ਔਪਚਾਰਿਕ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਤਨੀ ਸੀਟੋ ਪੇ ਲੜੇਗੀ ਔਰ ਆਪਕੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤਨੇ ਪੇ ਔਰ 307 ਆਪਕੀ ਕਿਤਨੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤਨੀ ਸੀਟੇ ਹਾਂ ਇਟਸ ਟੂ ਸੂਨ ਟੂ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਗੀ ਮਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸਿਟ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸਿਟ ਵਿਦ ਦ ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਚਾਰਜਸ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਤ ਇੱਕ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ एक बार के काउंसिल में कि मेरी रिक्वेस्ट जैसे मैंने की है वी शुड गो ऑन सीट टू सीट बेसिस कि कैरी पार्टी जीत रही है कैप्टन साहब पंजाब दे विच क्योंकि किसानों का एजिटेशन अजे जारी हैगा एमएसपी दा इशू है ते जेडे केस रजिस्टर होए वो वापस लैण दा इशू हैगा तो लगता कि होपफुल हो तुसी कि ए इशू सर सवाल सुन लो तुसी ए इशू इलेक्शंस तो पहला रिजॉल्व हो जाएगा और क्योंकि बीजेपी नु लेके पंजाब दे विच इक सेगमेंट है कि कन्विंस किवें करोगे ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਊਟਫਿਟ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਦੈਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਐਵਰੀਵਨ ਸ਼ੁਡ ਐਕਸੈਪਟ ਦੈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੋ ਕਦੇ ਹਫਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ 10 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਈ ਕਾਂਟ ਸੇ ਦਿਸ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਆਈ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦ ਫੀਲਡ ਬੋਥ ਅਰਬਨ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਨ ਆਰ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਦੇ ਲੁਕੀ ਇਹ ਫੋਰਥ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਸਰ
सर साइड साइड प्लीज साइड हो जाओ सर। मार तो ये क्लिप मार दो। पंजाब के सीएम चन्नी साहब का कहना है कि पंजाब That is Chinese views. I don't know who is destroying who. ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਤਾ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ अरे भाई ये तो कह रहे यू नो आई मैं बड़ा हैरान है थोड़े सारे दोस्तों ने कदे ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਐਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਐਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਟੂ ਗੈਟ ਪੰਜਾਬ ਵਰਕਸ ਥਰੂ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਜੌਬਸ ਵਨ ਵਾਸ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਮੇਰੀ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਮ ਹੋਮ which is the security and security matters that is with the home minister do you think the finance minister doesn't go twice or thrice a month to see the finance minister ashwini janda go to minister to visit do teen baar agriculture minister ki janda to over to milne ke it is the duty of the government to do it and I remember jada manmohan singh ki sarkar si aur mrs patel ne assembly de vich kiya ke chief minister sahab अगर कोई लोड पवे तो साड़ी असि अपने प्राइम मिनिस्टर को करा देने कहते बीबी जी तुम बस करो मेरे थोड़े प्राइम मिनिस्टर ता मेरी उही बड़ी मदद कर रहे हैं तुम रह दो असि आप ही ठीक है फिर असि गए पीएम को एंड पीएम को कहा कि सर यू आर गिविंग टू मच अटेंशन टू दिस दीज पीपल जेडे आंदे ने साडे पार्टी दा मकसद है यू नो व्हाट ही आंसर इज इज कैप्टन साहब आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इट इज माय ड्यूटी Same is the case of Mr. Modi. It's his duty to support us, and I can tell you now, and you will also know that कदे सानू ना नहीं कीती ऑन एनी इशू दे ट्राई टू हेल्प अस इट नहीं हो सकदी सी नहीं हो सकदी सी बट जिथे हो सकदी सी वी गॉट फुल वी आर गेट पंजाब गवर्नमेंट नॉट मी बट नाउ इन चन्नी इज गेटिंग फुल सपोर्ट फ्रॉम कैप्टन साहब ताड़ा गठजोड़ मुकाबला किस नाल देख रहे कांग्रेस आम आदमी पार्टी या अकाली दल किसी नाल ਰਸੇਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਂਸੀ ਮਾਜਾ ਪੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ
ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨ ਇਸ਼ੂਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡਿਸਪੈਂਸੇਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਹੋਏਗਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਐਸਟੀਐਫ You are talking about the case which is the sealed armored occupier? Yes, one is about STF report in the High Court. It is up to the government. Then we need a veteran to run for the law. Call the program to the government. And the other one, see, there are Bargadi, Jwarke, Bebelkala and Kotkapura. Four SIT is my last year. By the High Court or new SIT is working. Baki tin SITs ne apne cases courts se bit pa dete ne officers have been from DGP down to arrest karke unhe zabt aaye hue ne bahar. So the cases are proceeding. Mainu kal bhi ye sawal puch rahe se I have done my duty. Hun is to baad ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨੀ ਮਿਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀਡੀਓ कैप्टन साहब अगर पंजाब की राजनीति की बात करें तो हमेशा दो ही पार्टियां शुरू में लड़ती थी चाहे कांग्रेस हो या अकाली दल हो उसके बाद आम आदमी पार्टी आने के बाद तिकोना मुकाबला हो गया अब एक आपकी नई पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर लॉन्च हो रही है समय बहुत कम है लेकिन आप अपने आप को कहां देखते मैं तो नंबर वन पे देख रहा हूँ अगर आप और ग्राउंड इतनी स्ट्रांग है तो एमएलए ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਰੂਬੀ ਅਜੀ ਕਿਸੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਾਵਲ ਜਲੰਧਰ ਰਾਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਗੈਰਾ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਝਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੋਰੇ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਕਿਆ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ 70 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਡੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੈਟਸ ਕੈਪ ਵੀ ਡਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਇਟ ਟੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨੋ 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 ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਾਏ ਕਿ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਸਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਂਕੜੇ ਸਭ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਊਚਰ
ਫਿਊਚਰ ਇਜ਼ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫੋਰ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰ ਦ ਨੈਕਸਟ 5 ਇਅਰਸ ਨਾਟ ਫੋਰ ਦ ਪਾਸਟ ਪਾਸਟ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ 92% ਵੀ ਆਰ ਕੰਪਲੀਟਡ 13-14 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੇ ਫੋਰ ਵਨ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਵੈਟ ਐਂਡ ਵੈਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰਿਪਲੇਸਡ ਬਾਈ GST ਸੋ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਵਿਚ ਨੈਨੀ 94-95% ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰ What I understand is that they are trying to make an issue of it by showing that we will arrest Manjita. But you cannot, this is a country which has a constitution, it has a law. You think for 4 years we will investigate? What can we do? You can't arrest people. Mere magar pay rahe. Pakdo ji, madar ko andar karo ji, mujhe ko andar karo ji, zane ko karo andar. Ek mohon bana rakhi hai. You have to have evidence and enough evidence to arrest a man and prosecute him. But sir, the way Navjot Singh Sidhu is giving threat that he is sitting on the hunger strike, how do you see this? Because don't you think that he is trying to influence the... And I think Sukhbir Badal for once is right. ਉਸੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੇਸਿਕ ਡਰਾਫਟ ਫਸਟ ਡਰਾਫਟ ਹੈਸ ਕਮ ਟੂ ਮੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਪੁੱਟ ਇਨ ਫਰੰਟ ਸਰ ਬੋਡੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੋਡੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਵਰਕਿੰਗ ਸਰ ਜਨਰਲ ਸਰ ਵਾਟ ਰੋਲ ਯੂ ਸੀ ਫਾਰ ਟਿਕੋ ਜੀ ਇਨ ਦ ਕਮਿੰਗ ਪੋਸਟ I'm asking. He's sir, sitting will he contest the election? Will he contest the election? He is sitting here to run this office. With powers for the reason that... I have been seeing him for many years. Why I'm asking this question is, I have seen the kids of the chief minister, they are at the forefront immediately. Look, he has been at the... To be vice president of the International Shooting Association, it's an international body. So he is their vice president. That is it. But he is coming here to run this camp, this office for us. Will he contest the election? Will he contest the election? How can you? You can't. He must decide himself whether he wants to fight. I thought you were against families and all that. Thank you. ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਏ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲ ਸਿੰਘ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰ ਹਲੋ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਬੈਠੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੂ ਵਿਲ ਬੀ ਫਰਦਰ ਕੈਰਿੰਗ ਆਊਟ
So we are very hopeful that this genuine election aa rahi hai, we will win it. Ek baat koi doubt nahi kisne man chhodna chahega ke asi jitange. The combination of seat adjustment between BJP, Insa sahab, Vasi, we will form the next government. Aur main tusi koi sawal karna chahta hoon. लगातार अभी भी प्रोटेस्ट जो है वो हम लोग को लेकर चल रहा है। भले ही केंद्र सरकार ने किसान बिल वापस ले लिया हो, लेकिन अभी भी वहाँ पर किसान लगातार धरना दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब तक एमएसपी पे गारंटी नहीं बनती वो वहाँ से नहीं हटेगी। मैं किसानों को बेनती की है जिद मैंने विधानसभा करवाए से इन्होंने रद्द करते हुए और कोटा हम प्राइम मिनिस्टर ने करती, पार्लियामेंट ने करती, लॉ बन गया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दी। जिन्हें बाकी इश्यूज ने एक प्राइम मिनिस्टर बना रहे ने कमेटी पर्टिकुलरली एमएसपी के इशू एंड उसके शेयर बोर्ड आ गया। जैसे वो चाहते ने मुआवजा दिता जा रही जिले सुबह जैसे मैं तो 5 लाख रुपया और एक नौकरी देती सारे इतने किसान शहीद हुए हैं, पर हरियाणा ने नहीं देती, होना ने नहीं देती। वो चाहते से कि एक किया जाए तो एम एस पी और ए और एम एस पी के मिस्टर तोमर ने पार्लीमेंट के कैटेगोरिकली गल कही है कि प्राइम मिनिस्टर एक कमेटी फॉर्म कर रहे हैं और यह भी पूछे हैं कि तुम 5 बंदे अपने में इन्हों की डिमांड से कि साढ़े कुछ मैंबर उस कमेटी के मैंबर हो और वो 5 नाम उन्होंने मंगे ने कि तुम भेज दो असं उस कमेटी शामिल कर देंगे एंड 5 नाम उन्होंने पाते। नाउ आई थिंक बाय गॉड ग्रेस से एक बार हो गई कमिटमेंट एट दिस लेवल वी शुड एक्सेप्ट। कैप्टन साहब टाइम बहुत थोड़ा है कोड लगन वाला पहली तार जिहड़े बंदे लड़नगे उन्होंने तजर्बा अपनाई है, दे आर देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव एवरीथिंग। एक सेटअप जो है दैट इज ओनली सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और असी एडवर्टाइज करेंगे जो कुछ काम है वो साडा काम है। कैंडिडेट अपनी इलेक्शन लड़ते हैं। हूँ मैं अपनी गल दस रहा थोड़ा 1980 अजीत सिंह सरहदी नाल मेरी पार्लीमेंट्री चोन भी लड़ाई हुई और वो अजीत सिंह सरहदी की सीट अकालिया ने 4 महीने पहले अनाउंस की थी, मैंने 14 दिन मिले एंड आई वांट टू सी बड़े लाख बोल। सो इट डजन दिस सिंह डोंट मैटर। कैप्टन साहब जिस तरह से बातचीत चल रही है तो कांग्रेस गवर्नमेंट कह रही है कि पहले वो काम नहीं किए जो उन्होंने कुछ ही महीनों में पूरे कर दिए, लगातार इश्तेहार दिए। पहला तो मैं तुम्हें दसना चाहता है मैंने खुशी हो रही है जब मैं देख रहे हैं पेजा के पेज रिएक्ट कि आज 100 करोड़ इतने 200 करोड़ इतने, इन्हों पता भी है। नंबर 1 प्लानिंग स्टेज तो लैके इंप्लीमेंटेशन 4 महीने तक लग सकता है। वर्ल्ड बैंक का मसला है, एशिया डेवलपमेंट बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की केयर कॉस्ट शेयरिंग बेसिस से जो भी असं करते हैं ये तो सब ड्रामा कर रहे हैं। इन्हों पता है सारे ये कुछ नहीं होना, 2 हफ्ते थोड़ी कोर्ट लग जानी है। फिर मैं थोड़ा ये दसना मैं दसना चाहता है और मैं गारंटी ना ये की है सारे लोग क्या है कि जिन्होंने और अज को ही विशाल आई हैव बीन सेइंग दिस मेरा ख्याल पता नहीं कितने साल कितने महीने तो कि अकाली इस पंजाब के जो असी प्राप्ति की है जो साड़ी मैनीफेस्टो से 92% वी हैव कंप्लीटेड और मैं कल जो दिते एडे थमे पे ने मेरे को जरा थोड़े बच्चों देखना चाहते यू कैन कम एंड सी इट एंड असि दे दे सर जब असि 92% करते वन मिनट जब वो 92% करते प्लीज अंडरस्टैंड दैट द लास्ट वन हु डिड 83% वाज चंद्रबाबू नायडू इन आंध्र प्रदेश। उस तो बाद अगर रिकॉर्ड है किसी ना कि आर गवर्नमेंट मेरी गवर्नमेंट कैप्टन साहब
गठजोड़ करना है, अलायंस करना है, पर बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी ये कह रही है कि अभी 117 सीटा नहीं चलना। हो गया जी, हो गया, हो गया सर, हो गया। मेरा जी का यार, तुसी ये गल कह रहे थे कि बीजेपी नाल गठजोड़ करना, अलायंस करना है, पर बीजेपी कहेंगी भी अभी 117 सीटा पे इलेक्शन लड़नी है। दैट इज ओल्ड स्टोरी। हां जी, कल होम मिनिस्टर का बयान तुसी पढ़े, दैट्स असी वी आर विद आवर पार्टी and चीता सब पार्टी सीट एडजस्टमेंट करा दी। सर, सर इसको को लेकर कब तक औपचारिक ऐलान होगा? पार्टी करते हुए हो आज लोग इन प्रिंसिपल डिसीजन हो गए हैं, नाउ इट इज ओनली सीट एडजस्टमेंट। सीट एडजस्टमेंट वाज द वी विल गो लेट अस आर ऑफिस कैप्टन सर लगन नाम के लो नंबर आई कान से कि साडे नो 10 आउण गए या साडे 50 हो गए या 100 होण गए। मैं तो ये दस सकता है कि मेरी रिक्वेस्ट होगी टू बोथ पार्टीज, लेट अस पिक विनर्स। अगर टिंसा साहब का विनर है मैं सपोर्ट करूंगा और बीजेपी भी करूंगी आई एम श्योर। अगर बीजेपी का कैंडिडेट है सारे रख के करा, साडा कैंडिडेट होगा आई एम श्योर उन्होंने रख के सारे रख करें, बिकॉज सारे का मुद्दा एक है, पंजाब जितना, पंजाब जितना एंड पंजाब असि जिता है। फर्स्ट यू स्टॉप शूटिंग माई सोल्जर्स देन वी टॉक अबाउट ट्रेड। कैप्टन साहब कैप्टन साहब साढ़े चार साल जिहड़े तुहाडियां खब्बियां सज्जियां बाहां रहे ने ते राइट हैंड रहे ने, उह कदों कु तुहाडे नाल दिखण नूं मिलणगे? बाबा जी होने खड़े ने लुकिंग आफ्टर अमृतसर, मैनू कहंदे सी हुण बड़े कैंडिडेट हो गए साडे कोल। So I said doesn't matter, to keep them on there, we will then send this election committee back to you, they will choose. Lekin tusi gal kar rahe ho MLA aur MP no sitting nahi, ohna da pehla ohna da code of conduct lagan de ho aur eh bachan bachan nahi ta tumhe pata hai ki karan ki ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਫੋਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਜੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਵਿਲ ਕੇਕ ਪੀਪਲ ਹੂ ਵੀ ਵਾਂਟ ਵੀ ਥਿੰਕ ਕੈਨ ਫਿਟ ਆਰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਐਂਡ ਦ ਵੇ ਦੇ ਆਰ ਵਿਦ ਅਸ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਏ। We will see. ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਸਹੀ ਕਿ 35 ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬਦਲ ਦੇਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 35 ਦੇ 35 ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਲਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਲਵਾਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਲਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੈਮਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਲਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਡਾਲ ਕਲਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਆਈ ਮਾਸ ਟੈਲ ਯੂ ਨਾਓ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਕਦ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ? ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲਵੇ ਪਕੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ जो पंजो असी तीनो पार्टियां इकट्ठिया होवांगी फिर ये गल बीजेपी ने क्लियरली कहा, मेरी क्लोज अंडरस्टैंडिंग
ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ 307 ਦੇ ਕੋਲ सर इसी से जुड़ा मेरा सवाल है क्या आने वाले एक हफ्ते के भीतर औपचारिक ऐलान हो जाएगा कि बीजेपी कितनी सीटों पे लड़ेगी और आपकी पार्टी कितने पे और ढींसा साहब की कितनी पार्टी कितनी सीटें हैं इट्स टू सून टू से पहले तो मीटिंग होगी मिल तो नहीं होंगे मैं तो मिला भी नहीं किसी को कभी आई हैव टू सिट विद द प्रेसिडेंट आई हैव टू सिट विद द पंजाब इंचार्जेस फिर ये बातें तो तब होंगी एक बार के काउंसिल में कि मेरी रिक्वेस्ट जैसे मैंने की है वी शुड गो ऑन सीट टू सीट बेसिस कि कोई कैरी पार्टी जीत रही है कैप्टन साहब पंजाब दे विच क्योंकि किसानों का एजिटेशन अजे जारी हैगा एमएसपी का इशू है तो जिहड़े केस रजिस्टर होए वो वापस लैण का इशू हैगा तो लगता कि होपफुल हो तुसी कि ए इशू सर सवाल सुन लो तुसी ए इशू इलेक्शन तो पहला रिजॉल्व हो जाएगा और क्योंकि बीजेपी नु लेके पंजाब दे विच कन्विंस किवें करोगे किसानों ने बड़े स्पष्ट तरीके नाल कहा है कि असीं किसी पॉलिटिकल आउटफिट नूं इनवॉल्व नहीं करना चाहुंदे इन्हां दी जिहड़ी समझौता है इस वेले इट इज बिटवीन द फार्म ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ये सवाल मेरे मैनू ना पुछो तुसीं किसानों नूं पुछो जिथे तक ये इशूज ने मैनू सवाल तुसीं कीता सी एंड मैं क्लैरिटी ओ दे दित्ती दैट आई थिंक जदों नैशनल कमिटमेंट हो गई एवरीवन शुड एक्सेप्ट दैट बिकॉज़ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੋ ਕਦੇ ਹਫਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ 10 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ 26 ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਈ ਕਾਂਟ ਸੇ ਦਿਸ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਆਈ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦ ਫੀਲਡ ਬੋਥ ਅਰਬਨ ਐਂਡ ਰੂਰਲ they are very positive on our part aur eh jada gatch tod assi saadi apni party nahi lekin tinna partiyan naal badi saadi they looking a fourth combination jada hai eh nu hun prominence de rahe ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਕੈਪਟਨ ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਜੁੜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਦੋ ਮਿੰਟ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਐਨੀ ਟੈਂਟੀ ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਐਨੀ ਟੈਂਟੀ ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ पट्ठा बठाया सरकार ने जो पंजाब कर रहे ने जो बेड़ा गर्क करता जो करप्शन बढ़ी है पिछले दो महीनों के आप देखो कौन पंजाब को खराब कर रहा है कौन बचाने की कोशिश कर रहा है ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ अरे भाई ये तो कह रहे यू नो आई मैं बड़ा हैरान है थोड़े सारे दोस्तों कदे ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਐਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਐਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਟੂ ਗੈਟ ਪੰਜਾਬ ਵਰਕਸ ਥਰੂ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਜੌਬਸ ਵਨ ਵਾਸ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਮੇਰੀ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਮ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਟਰਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ
Do you think the finance minister doesn't go twice or thrice a month to see the finance minister? Ashok ji janda food minister to visit do tin baar de agriculture minister ji janda October to visit it is the duty of the government to do it and I remember jadon Manmohan Singh di sarkar si aur Mrs. Patel ne assembly de vich kiya ke chief minister sahab अगर कोई लोड पवे तो साड़ी असी अपने प्राइम मिनिस्टर को करा देने कहते बीबी जी तुम बस करो मेरे थोड़े प्राइम मिनिस्टर मेरी ऊँ बड़ी मदद कर रहे हैं तुम रह दो असं आप ही ठीक है फिर असी गए पीएम को एंड पीएम ने कहा कि सर यू आर गिविंग टू मच अटेंशन टू दिस दीज पीपल जो आते हैं साढ़े पार्टी का नुकसान है यू नो व्हाट ही आंसर इज इज कैप्टन साहब आई एम दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इट इज माई ड्यूटी Same in the case of Mr. Modi. It's his duty to support us, and I can tell you now, and you will also know that they have never done anything on any issue. They try to help us. It is not possible, but if it is possible, we got full. We are getting the Punjab government, not me, but now even Channi is getting full support from us. कैप्टन साहब गठजोड़ मुकाबला किस नाल देख रहे कांग्रेस आम आदमी पार्टी या अकाली दल किसी नाल नहीं रसेदा साहब फांसी माजा पे लगे सारे कैप्टन साहब उसी रेट पर वो किया जा रहा है और अगर अब आम आदमी कोई बाहर से आके दिल्ली का इस तरह का फिजूल की बातें करता है तो उस पर कार्रवाई करेंगे अभी सर पहले हेलीकॉप्टर में बैठ कर देखे थे और आपके टाइम में भी अवैध खनन हो रहा था अभी भी कहा जा रहा है इलीगल माइनिंग बहुत चल रही थी मैं मिनिस्टर ने सदिया एंड टोल्ड हिम एंड इन फैक्ट मैं ओदे विच एक स्पेशल टास्क फोर्स भी उन्होंने दी अंडर मिस्टर डोके टू कंट्रोल दिस इशू एंड मैं देखन दो उस बाद मैं चला गया हूँ उसका कोई नहीं हाथ निकाल तो उन्हें खराब बना लो कौन रोक रहा दूसरा देखो चार बरगाड़ी ज्वार के बैबल कला एंड कोट कपूरा को चारों एस आई टी में लाती है हाई कोर्ट और न्यू एस आई टी वर्किंग बाकी तीन एस आई टी ने अपने केसेस कोर्ट्स के विच पा देते ने ऑफिसर है फ्रॉम डीजीपी डाउन अरेस्ट करके हुए जमानत पे आए हुए बाहर सो द केसेस आर प्रोसीडिंग मैंने कल भी यह सवाल पूछ रहे थे आई कैन आई हैव डन माय ड्यूटी हूँ इस तो बाद की होंगे हाई कोर्ट के बीच या की होंगे लोकल कोर्ट से जिधर अपने आपसे मिलना आपके फार्म हाउस पर आना सर कुछ चुनिंदा मीडिया हाउसेस को तो ओके है वो बात तीन तीन बार आते हैं बार बार बोले बार बार बोले हम सर डेढ़ महीने से विमल जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर हमें मैं डेली फेवरेटिज्म ना होना सर आप सबके लीडर हैं सर आप पंजाब के लीडर हैं हम भी मिलना नेशनल लीडर हैं सर आप नेशनल चेयर हैं सर हमारे लिए आपकी बहुत इंपॉर्टेंट ये कारण किया जी क्यों नहीं मैं देता था वीडियो मीटिंग में तो नेशनल मीडिया बात आपकी पहुंचा रहे हैं Are you hinting at Nisha? No, I agree with you. I agree with you. Please.
कैप्टन साहब कैप्टन साहब अगर पंजाब की राजनीति की बात करें तो हमेशा दो ही पार्टियां शुरू में लड़ती थी, चाहे कांग्रेस हो या अकाली दल हो, उसके बाद आम आदमी पार्टी आने के बाद तिकोना मुकाबला हो गया। अब एक आपकी नई पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर लॉन्च हो रही है, समय बहुत कम है, लेकिन आप अपने आप को कहां देखते हैं? मैं तो नंबर वन पे देखता कैप्टन साहब अगर आप ऑन द ग्राउंड स्ट्रांग है तो एमएलए एमएलए नु पता नहीं अगर थोड़े थोड़े बठिंडे रूबी अजी किसों बठिंडा रूबी इन पता नहीं कि मेरे आवाज नहीं आप इन गुरदासपुर आवाज जलंधर आवाज अमृतसर वगैरह पता सारे नु होंदा कि साडी पार्टी दा की हाल है जा देख रहे ने माजा कैप्टन साहब यार माइक कम खराब कर रहे मोरे कितने का माइक मुंह के आगे रखे हैं कम खराब जब नहीं होता माइक खड़े कर लेता हूँ। कैप्टन साहब तुहानू तनखाइया करार दिता ध्यान सिंह मान ने तनखाइया करार दिता ध्यान मेरी गल सुनो छेवें पातशाह की गली अकाल तक और अकाल तक का जतन आ गया वो जो मर्जी करे ये कौन होंगे कैप्टन साहब इलेक्शन दे विच तुसी जाना इलेक्शन रिलेटिव की बनेगा खेती कानून रद्द हो गए ओ कैप्टन अमरिंदर सिंह दा रिपोर्ट कार्ड 4.5 साल दा ओ क्योंकि 70 दिनां दा एक रिपोर्ट कार्ड ये कह के दिता गया कि कैप्टन साहब ने काम नहीं किया इलेक्शन इशू की ना हो गए मैं तो जवाब दिता है GST So, all issues, agar tusi jodo, ta vich nahi 94-95%. Agar thode bande de naal baitha hai, sir, tusi mann rahe ho ki is time chal rahi hai ki 100%. Mere mayor ne ore gann ch baat maariya. Ek minute, tusi apne bande de naal kivein khadenge? Kis tarah apna stand spasht karenge apne bande de naal jagah te lo keh rahe the? Kaun keh rahe? Jehde thode tusi kar lo pehla. Kar lo pehla apna kar lo. Sara da bhariya paya. All our senior people are coming to us. Lot of them and code of conduct lag chuki hai to usne ka time se wait kar raha hai sir on STF report sir on STF report Akali Dal is saying that Vikram ji is likely to be implicated by the present government how do you see that what I understand is that they are trying to make an issue of it by showing that we will arrest Manjita but you cannot this is a country which has a constitution it has a law You think for 4 years we will investigate? What can we do? But you can't arrest people. मेरे मेरे मगर पे रहे पकड़ो जी मादर को अंदर करो जी मुझे को अंदर करो जी फलाने को करो अंदर एक माहौल बना रखी है You have to have evidence and enough evidence to arrest a man and prosecute him. But sir, the way Navjot Singh Sidhu is giving threat that he is sitting on the hunger strike, how do you see this? Because don't you think that he is trying to influence the court? And I think Sukhbir Badal for once is right.
कैप्टन साहब जिहड़ा पंजाब दे विच लोग पंजाब लोग कांग्रेस दा पंजाब जीतण लई की मुद्दा होएगा जी की मुद्दा लेके जाएगी जी जी पंजाब दे लोग कांग्रेस दा Because for the reason that I have been seeing him for many years. Why I'm asking this question is, I have seen the kids of the chief minister. They are at the forefront immediately. Look, he has chosen to be vice president of the International Shooting Association. It's an international body. So he is their vice president. That is it. But he is coming here to run this camp and this office for us. Will he contest the election? Will he contest the election? How can he? You can't. He must decide himself whether he wants to fight. I thought you were against families and all that. Thank you. ਸਾਰਾ
यार क्या कर रहे पकड़ा दो ना सारे पब्लिक ही बाहर करा दो किसी ने पब्लिक बाहर करा दो पब्लिक बाहर कर दो ना तो मुझे पसंद है बटू जी पसंद है ना कोई गल नहीं आशे भाई बैठो यार नमस्कार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं गलती है जी अंदर को यार हट जाओ यार यार क्या कर रहे हैं यार हेलो यार हेलो यार पूछे हो यार क्या कर रहे हैं यार वो नहीं आ रहे मीडिया का सब कह देना पहुंचे धन्यवाद करते हैं उद्घाटन स्टार्ट हो रहा है ये मैन रहेगा 24 घंटे एंड साड़ी मेंबरशिप ड्राइव शुरू होगी सी अब तो 10 दिन पहला एंड हुण असीं इथों कंप्लीट करांगे शुरुआत डेली इत्थे साडे जिहड़े बंदे पूरे होणगे दे विल बी डीलिंग विद जिहड़े मेंबर बनना चाहुंदे एंड देन असीं डिस्ट्रिक्टां दे विच असीं अपने ग्रुप बना रहे हां उत्थे who will be further carrying out the subdivision which wagera jithe party wagera ho sake so we are very hopeful that this jehdi hun election aa rahi hai we will win it ek baar koi doubt nahi kis de man ch hona chahiye ke assi jittange the combination of seat adjustment between BJP insa sahab vasi we will form the next government hun main ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ केंद्र सरकार ने किसान बिल वापस ले लिया हो लेकिन अभी भी वहाँ पर किसान लगातार धरना दे रहे हो ये कहना है कि जब तक एमएसपी पे गारंटी नहीं बनती वो वहाँ से नहीं हटेगी मैं किसानों को बेनती की थी पहला कि असि जिहड़े मेजर तीन इशू से मेजर तीन बिल से जिद मैंने विधानसभा करवाए से इन्होंने रद्द करते हुए और हम प्राइम मिनिस्टर ने करती पार्लियामेंट ने करती लॉ बन गया प्रेजिडेंट ने साइन कर दी जिन्हें बाकी इशूज ने एक प्राइम मिनिस्टर बना रहे ने कमेटी पर्टिकुलरली एम एस पी के इशू एंड शायद बोर्ड आ जाए जैसे चाहते हैं मुआवजा दिता जाए जैसे जैसे मैं तो 5 लाख रुपया और एक नौकरी देते सारे इतने किसान शहीद हुए हैं पर हरियाणा ने नहीं दी होना ने नहीं दी वो चाहते से कि जाए तो एम एस पी और ए और एम एस पी के मिस्टर तोमर ने पार्लीमेंट के कैटेगोरिकली गल कही है
के प्राइम मिनिस्टर एक कमेटी फॉर्म कर रहे हैं और ये भी पूछे कि तुम पांच बंदे अपने में इन्हों की डिमांड सी कि साढ़े कुछ मैंबर उस कमेटी के मैंबर हो और वो पांच नाम उन्होंने मंगे ने कि तुम भेज दो असं उस कमेटी शामिल कर देंगे एंड पांच नाम उन्होंने पाते नाउ आई थिंक बाय गॉड ग्रेस से एक बार हो गई कमिटमेंट एट दिस लेवल वी शुड एक्सेप्ट ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਸ ਕਰਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਡਰ ਬ
ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਦੇਅਰ ਓਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਸਪੋਰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1980 ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹੱਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹੱਦੀ ਦੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਸੀ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਇਟ ਬਾਈ ਦਾ ਟੂਰ ਸੋ ਇਟ ਡਸਨਟ ਦੀ ਸਿੰਗ ਡੋਨਟ ਮੈਟਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੋਂ ਮੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਏ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆ ਜੀ 100 ਕਰੋੜ ਇੱਥੇ 200 ਕਰੋੜ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸੇਇੰਗ ਦਿਸ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕੌਮ ਅਕਾਲੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ 92% ਵੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟਡ ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਐਡੇ ਥੱਬੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਯੂ ਕੈਨ ਕਮ ਐਂਡ ਸੀ ਇਟ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 92% ਕਰਤੇ ਕੈਪਟਨ 1 ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਉਹ 92% ਕਰਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਦ ਲਾਸਟ ਵਨ ਹੂ ਡਿਡ 83% ਵਾਸ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਇਨ ਅਦਰ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿ ਆਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਗਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨਾ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੋਲਡ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਦੈਟਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਵਿਦ ਵਿਦ ਆਰ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ 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 ਸੀਟਾਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਟ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਕਦ ਤੱਕ ਔਪਚਾਰਿਕ ਐਲਾਨ ਹੋਗਾ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੀ ਕੀ ਸੀ ਇਟ ਇਸ ਨਾਟ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਲੁੱਕ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਸੀਟ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸੀਟ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸ ਦੀ ਵੀ ਗੋ ਲੈਟ ਅਸ ਆਰ ਆਫਿਸ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਟ ਨਾਮ ਕੈਨ ਯੂ ਨੰਬਰ ਆਈ ਕਾਨ ਸੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੂੰ 10 ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 50 ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 100 ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਏਗੀ ਟੂ ਬੋਥ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਲੈਟ ਅਸ ਪਿਕ ਵਿਨਰਸ ਅਗਰ ਢੀਂਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਨਰ ਹੈ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕਰੂੰਗੀ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਾਂ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਏਗਾ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖ ਕਰਨੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣਾ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਸਾਡੇ
First, you stop shooting my soldiers, then we talk about trade. कैप्टन साहब साढ़े चार साल जिहड़े तुहाडियां खब्बियां सज्जियां बाहां रहे ने ते राइट हैंड रहे ने कदों कु तुहाडे नाल दिखण नूं मिलणगे जी बाबा जी होने खड़े ने लुकिंग आफ्टर अमृतसर मैनू कहने से हुण बड़े कैंडिडेट हो गए साडे कोल So I said, doesn't matter. You keep them on there. We will then send this election committee back. They will choose. लेकिन तुष्य कार्य कर रहे हो MLA और MP जो sitting नहीं थी। वो ना ना पहला ये ना ना कोरम कोणा लगने दे हो और ये बच्चन बच्चा नहीं था तो मैं पता है की करें की नहीं। और दिन ही होना नहीं सारे फंड फोड़ मार देते हैं कि प्रोजेक्ट बंद हो जाएगी जैसे मेरे काफी बड़े आए We will create people who we think can fit our ideology and the way they are with us. उस तरीके नाल ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਸਹੀ ਕਿ 35 ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬਦਲ ਦੇਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 35 ਦੇ 35 ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਲਿੱਕ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਲਿੱਕ ਮਾਰ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕੀ ਕਰੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਲਿੱਕ ਮਾਰ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਡਾਲ ਕਲਿੱਕ ਮਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਆ ਮੈਂ ਆਸ ਟੈਲ ਯੂ ਨਾਓ ਮੈਂ ਵਿਚ ਆਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲਵਲ ਪਕੜਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ जो पंजो असी तीनो पार्टियां इकट्ठिया होंगी फिर ये गल सर इसी से जुड़ा मेरा सवाल है क्या आने वाले एक हफ्ते के भीतर औपचारिक ऐलान हो जाएगा कि बीजेपी कितनी सीटों पे लड़ेगी और आपकी पार्टी कितने पे और ढींसा साहब की कितनी पार्टी कितनी सीटें हाँ इट्स टू सून टू से पहले तो मीटिंग होगी मिल तो नहीं होंगे मैं तो मिला भी नहीं किसी को कभी आई हैव टू सिट विद द प्रेसिडेंट आई हैव टू सिट विद द पंजाब इंचार्जेस फिर ये बातें तो तब होंगी एक बार के काउंसिल में कि मेरी रिक्वेस्ट जैसे मैंने की है वी शुड गो ऑन सीट टू सीट बेसिस कि कोई कैरी पार्टी जीत रही है कैप्टन साहब पंजाब दे विच क्योंकि किसानों का एजिटेशन अजे जारी हैगा एमएसपी का इशू है तो जिहड़े केस रजिस्टर होए वो वापस लैण का इशू हैगा तुहानूं लगदा कि होपफुल हो तुसीं कि ए इशू सर सवाल सुन लो तुसीं ए इशू इलेक्शन तो पहला रिजॉल्व हो जाएगा और क्योंकि बीजेपी नूं लेके पंजाब दे विच रेवेन्यू हैगी है तो कन्विंस किवें करोगे ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਊਟਫਿਟ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਦੈਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਐਵਰੀਵਨ ਸ਼ੁਡ ਐਕਸੈਪਟ ਦੈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੋ ਕਦੇ ਹਫਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ 10 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
आई कांट से ये सारे तो कैंपेन स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन मैनू ये है मैं तुम्हें दस सकता है कि जो मैनू फीडबैक आई है फ्रॉम द फील्ड बोथ अर्बन एंड रूरल दे आर वेरी पॉजिटिव ऑन आवर पार्टी। और ये जरा गठजोड़ असी साड़ी अपनी पार्टी नहीं लेकिन तिना बड़ी साड़ी फोर्थ कॉम्बीनेशन जरा है इनू हम प्रोमिनेंस दे रहे हैं। जो पंजाब दे विच कर रहे ने जो बेड़ा गर्क करता जो करप्शन बढ़ी है पिछले दो महीनों के तुसी आप देखो कौन पंजाब नूं खराब कर रहा है कौन बचाने की कोशिश कर रहा है। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। अरे भाई ये तो कह रहे यू नो आई मैं बड़ा हैरान है थोड़े सारे दोस्तों कदे तुसी मैनूं अकालिया नाल जोड़ दिंदे हो कदे सानूं बीजेपी नाल जोड़ दिंदे हो। मैं कदों एज चीफ मिनिस्टर मेरी ड्यूटी की सी तुसी मैनूं समझाओ एज चीफ मिनिस्टर मेरी ड्यूटी सी टू गेट पंजाब वर्क थ्रू। आई हैव टू जॉब्स वन वाज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच मींस मेरी डीलिंग विद द प्राइम मिनिस्टर होम व्हिच इज द सिक्योरिटी मैटर्स दैट इज विद द होम मिनिस्टर। Do you think the finance minister doesn't go twice or thrice a month to see the finance minister? Ashwini janda food minister to visit two three baar before. Agriculture minister ki janda October to visit. It is the duty of the government to do it. And I remember jadon Manmohan Singh di sarkar si aur Mrs. Patthal ne assembly de vich kiya ke chief minister sahab अगर कोई लोड पवे तो साड़ी असी अपने प्राइम मिनिस्टर को करा देने कहते बीबी जी तुम बस करो मेरे थोड़े प्राइम मिनिस्टर मेरी उही बड़ी मदद कर रहे हैं तुम रहन दो असी आप ही ठीक है। फिर असी गए पीएम को एंड पीएम ने कहा कि सर यू आर गिविंग टू मच अटेंशन टू दिस पीपल जो आते हैं साडे पार्टी का नुकसान है। यू नो व्हाट ही आंसर इज इज कैप्टन साहब आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इट इज माई ड्यूटी। Same is the case of Mr. Modi. It's his duty to support us, and I can tell you now, and तुसी भी जानते होंगे कि कदे सानू ना नहीं कीती on any issue. They tried to help us. नहीं हो सकती थी, but जितने हो सकती थी, we got full, we are getting Punjab government, not me, but now even Channi is getting full support from us. कैप्टन साहब गठजोड़ मुकाबला किस नाल देख रहे कांग्रेस आम आदमी पार्टी या अकाली दल किसी दल
ਰਸੇਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਂਸੀ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ उस बार मैं चला गया हूँ उनका कोई नहीं हमने कहा तो उन्हें It is up to the government. बैठे ने खराब बना लो कौन रोक रहे तुम वास्ते और दूसरा देखो चार देरा बरगाड़ी ज्वार के बैबल कला एंड कोट कपूरा को चारों एस आई टी में लाती थी हाईकोर्ट और न्यू एस आई टी वर्किंग बाकी तीन एस आई टी ने अपने केसेस कोर्ट्स के विच पा देते ने ऑफिसर हैव बीन फ्रॉम डीजीपी डाउन अरेस्ट करके उन्हें जमानत पे आए हुए बाहर सो द केसेस आर प्रोसीडिंग मैंने कल भी यह सवाल पूछ रहे थे आई कैन आई हैव डन माय ड्यूटी हुन इस तो बाद की हुंदा हाई कोर्ट के विच या की हुंदा लोकल कोर्ट से जिहड़े अपने आपसे मिलना आपके फार्म हाउस पर आना सर कुछ चुनिंदा मीडिया हाउसेस को तो ओके है वो बात तीन तीन बार आते हैं बाद में बोले बाद में बोले हम सर डेढ़ महीने से विमल जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैं डेली फेवरेटिज्म ना होना सर आप सबके लीडर हैं सर आप पंजाब के लीडर हैं हम लोग भी मिलना नेशनल लीडर हैं सर आप नेशनल चाह रहे हैं सर हमारे लिए आपकी बहुत इंपॉर्टेंट ये कारण किया जी क्यों नहीं मिल रहा था वीडियो मीटिंग में तो नेशनल मीडिया बात आपकी पहुंचा रहे हैं कैप्टन साहब अगर पंजाब की राजनीति की बात करें तो हमेशा दो ही पार्टियां शुरू में लड़ती थी चाहे कांग्रेस हो या अकाली दल हो उसके बाद आम आदमी पार्टी आने के बाद तिकोना मुकाबला हो गया अब एक आपकी नई पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर लॉन्च हो रही है समय बहुत कम है लेकिन आप अपने आप को कहां देखते हैं मैं तो नंबर वन पे देखता हूँ कैप्टन साहब एक मिनट अमन कैप्टन साहब जो है ये आपका एक ये पहले से दस तक आ गई दो हूँ एक रूबी और एक बंदरा आ गया ये दोनों हूँ जाएंगे अगर आप और ये ग्राउंड में स्ट्रांग है तो एमएलए को पता चल एमएलए को पता नहीं अगर फर्स्ट कोड़े बठिंडे दी आ रूबी अजी के सोम बठिंडा रूबी इनु पता नहीं कि मेरे आवाज नहीं आप इन गुरदासपुर आवाज इन जलंधर आवाज इन अमृतसर वगैरह पता सारे नु हुंदा है कि साडी पार्टी दा की हाल है जा देख रहे ने माजा कैप्टन साहब क्या माइक कम खराब कर रहे मोरे कितने का माइक उन के आगे रखे हर काम कहीं जब नहीं होता माइक खड़े कर लिया करो कैप्टन साहब तनखाइया करार दिता ध्यान सिंह मान ने तनखाइया करार दिता ध्यान सिंह मेरी गल सुनो छेवें पातशाह की गली अकाल तक और अकाल तक का जतन आ गया वो जो मर्जी करे ये कौन होंगे
कैप्टन साहब इलेक्शन दे विच तुसी जाना इलेक्शन रिटर्न की बनेगा खेती कानून रद्द हो गए ओ कैप्टन अमरिंदर सिंह दा रिपोर्ट कार्ड 4.5 साल दा ओ क्योंकि 70 दिनां दा एक रिपोर्ट कार्ड ए कह के दिता गया कि कैप्टन साहब ने काम नहीं कीता इलेक्शन इशू की ना हो गए मैं तो जवाब दिता है ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਡੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੈਪ ਸੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਦਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਟੂ ਗਿਵਨ ਇਟ ਪੀਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨੋ 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 ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਾਏ ਕਿ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਂਕੜੇ ਸਭ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਊਚਰ ਇਜ਼ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫੋਰ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰ ਦ ਨੈਕਸਟ 5 ਇਅਰਸ ਨਾਟ ਫੋਰ ਦ ਪਾਸਟ ਪਾਸਟ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ 92% ਵੀ ਆਰ ਕੰਪਲੀਟਡ 13-14 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੇ ਫੋਰ ਵਨ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਵੈਟ and VAT has been replaced by GST. So, oh, issues, agar tu see jodo, na with nearly 40 days, 94-95%. Agar thode bande ho te naal baitha hai, sir, tu see mal rahe ho ki is time chal rahi hai ki 100%. Mere mayor ne ore kar chupa pa rahe hai. Ek minute, tu see apne bande ho te naal kivein khadenge? Kis tarah apna stand spasht karenge apne bande ho te naal jagah te lo keh rahe hai? Kaun keh rahe hai? What I understand is that they are trying to make an issue of it. By showing that we will arrest Manjita. But you cannot, this is a country which has a constitution, it has a law. You think for 4 years we will investigate, what can we do? But you can't arrest people. Mere mere magar pae rahe, pakdo ji, madar ko andar karo ji, mujhe ko andar karo ji, zane ko karo andar, ek mohon bana rakhi hai. You have to have evidence. And that enough evidence to arrest a man and prosecute him. But sir, the way Navjot Singh Sidhu is giving threat that he is sitting on the hunger strike, how do you see this? Because don't you think that he is trying to influence the court? I think Sukhbir Badal for once is right. He has a full meal and then he sits on hunger strike. Captain sir, jehda Punjab de vich log, Punjab log Congress da, Punjab jittan layi, ki mudda hoega ji, ki mudda leke jayegi? ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਬੀਂਗ ਵੀ ਗਾਟ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟੀਮ 10 ਮੈਂਬਰ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਹੈ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ 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 ਸੀਨੀਅਰ ਪੀਪਲ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੇਸਿਕ ਡਰਾਫਟ ਫਰਸਟ ਡਰਾਫਟ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਮੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈ ਹੈ and then we will put it in front sir ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਦਿਨਾਂ ਚ ਬੌਡੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਦਿਨਾਂ ਚ ਬੌਡੀ ਆਪਣੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਵਰਕਿੰਗ ਸਰ ਵਾਟ ਰੋਲ ਯੂ ਸੀ ਫਾਰ ਟਿਕੋ ਜੀ ਇਨ ਦਾ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਟਿਕੋ ਜੀ ਸਰ ਆਮ ਆਸਕਿੰਗ ਸਰ ਵਾਟ ਇਸ ਵੈਰੀ ਕੰਟੈਸਟਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਇਸ ਸਿਟਿੰਗ ਹੇਅਰ ਟੂ ਰਨ ਦਿਸ ਆਫਿਸ Because for the reason that I have been seeing him for many years. Why I am asking this question is, I have seen the kids of the chief minister. They are at the forefront immediately. Look, he has chosen to be vice president of the International Shooting Association. It's an international body. So he is their vice president. That is, but he is coming here. To run this camp, this office for us. Will he contest the election? Honey? Will he contest the election? No, how can he? You can't. He must decide himself.
when he wants to fight. I thought you were against families and all that. Thank you. धन्यवाद हूं असि महाराज साहब का मूंह मिठा करावे सरोपे भेट किए जाएंगे सारे पंजाब वर्कर वालों अहदेदार वालों जी आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद जितेगा पंजाब कैप्टन दे नाल जितेगा पंजाब कैप्टन दे नाल जितेगा पंजाब कैप्टन दे नाल महाराजा दल सिंह अगर थले पसना थले भी तुम बैठ सकते हो परमात्मा की कृपा हुई है सरकार सारे बेनती है प्लीज पहले जाके रौला पाउन लग पिया सारा बेनती है
चार तो लैके एक साल चार महीने तो एक साल महीने तक लग सकता है। वर्ल्ड बैंक का मसला है, एशिया डेवलपमेंट बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्लियरेंस, कॉस्ट शेयरिंग बेसिस से जो भी अस करते हैं, ये सब ड्रामा कर रहे हैं। इन्हों पता है सारे ये कुछ नहीं होना, दो हफ्ते तो रिकॉर्ड लग जानी है। फिर मैं थोड़ा ये दसना मैं दसना चाहना है और मैं गारंटी ना की है सारे लोग कह कि जिन्होंने और अज उन्हीं विशाल आई हैव बीन सेइंग दिस मेरा ख्याल पता नहीं कितने साल कितने महीनों तो कि कौम अकाली इस पंजाब के जो असी प्राप्ति की है जो साड़ी मैनीफेस्टो से 92% वी हैव कंप्लीटेड और मैं कल क्यों देते एडे थमे पे ने मेरे को जो थोड़े बच्चों देखना चाहते यू कैन कमेंट सी इट चंद्र बाबू नायडू इन आंध्र प्रदेश उस तो बाद एक रिकॉर्ड है किसी ने कि आर गवर्नमेंट मेरी गवर्नमेंट जिन्हें बीजेपी ये कह रही है कि असि 117 सीटा दे लड़ना हो गया जी ये गल कह रहे जे बीजेपी गठजोड़ करना अलायंस करना है पर बीजेपी कहती भी अभी 117 सीटा दे इलेक्शन लड़नी है दैट इज ओल्ड स्टोरी हां जी कल होम मिनिस्टर दा बयान तुसी पढ़े दैट्स असी वी आर विद आवर पार्टी Chief adjustment was the people go, let us, our office. Captain sir, I'll tell you number. I can't say that some of you are sound gay or some of you are sound gay. I can only say that my request will be to both parties, let us pick winners. If Tilsa sir the winner, I will support and BJP will be too, I'm sure. अगर बीजेपी का कैंडिडेट है सारे रख के करा साडा कैंडिडेट होगा आई एम श्योर उन्होंने रख के सारे रख करे बिकॉज सारे का मुद्दा एक है पंजाब जितना पंजाब जितना एंड पंजाब असी जिता है फर्स्ट यू स्टॉप शूटिंग माई सोल्जर्स देन वी टॉक अबाउट ट्रेड कैप्टन साहब जिहड़े तुहाडियां जिहड़े तुहाडे कैप्टन साहब साढ़े चार साल जिहड़े तुहाडियां खब्बियां सज्जियां वहां रहे ने ते राइट हैंड रहे ने ओह कदों कु तुहाडे नाल दिखण नूं मिलणगे जी बाबा जी और खड़े ने लुकिंग आफ्टर अमृतसर मैनू कहंदे से हुण बड़े कैंडिडेट हो गए साडे कोल so I said doesn't matter to keep them on there we will then election committee baithe ke they will choose lekin tusi gal kar rahe ho MLA aur MP jo sitting ne oh unna da pehla unna da quorum conduct lagande ho aur ye budget bachan nahi ta tumhe pata hai ki karenge ji aur de ni unna de sare fund phod band kar de ke project band ho jayegi jaise mere kar ke patiale vich captain sir kinne MLA kinne voices in congress party after the pakistan statement some of the leaders have started resigning from the congress party will you take those leaders in your party's fold we will create people who we want we think can fit our ideology and the way they are with us us tarike naal assi unhan nu lenu tayar hai eh nahi ki jehde congress kar rahe hain assi ohde shamil kar liye
वी विल सी। सिद्धू इज सेइंग के 35 मैं क्या जी मैं बदल देना नहीं अपनी सीट का तो थोड़ा क्या है कि 35-35 ऐसी लेना जी मेरे दो तीन क्लिक मार दो क्या लगा मेरे दो तीन क्लिक मार दो कैमरे प्रॉब्लम हो क्या करें दो तीन क्लिक मार दो कैमरे डाल के लिख मीटिंग लाइन आई मार्क्स टेल यू नाउ मैं अमित शाह दिया मैंने कहा राजस्थान में करने के साथ मेरा का प्रोग्राम है अभी कोई ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਲ ਪਕੜਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਵੇ ਤੋਂ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਦੋ ਚਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕੋਈ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਢੀਂਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਨ ਦਿਸ ਐਚਟੀ ਸਮਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿਦ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਢੀਂਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ सर इसी से जुड़ा मेरा सवाल है क्या आने वाले एक हफ्ते के भीतर औपचारिक ऐलान हो जाएगा कि बीजेपी कितनी सीटों पे लड़ेगी और आपकी पार्टी कितने पे और ढींसा साहब की कितनी पार्टी कितनी सीटें इट्स टू सून टू से पहले तो मीटिंग होगी मेरे तो नहीं होंगे मैं तो मिला भी नहीं किसी ने कुछ भी आई हैव टू सिट विद द प्रेसिडेंट आई हैव टू सिट विद द पंजाब इंचार्जेस फिर ये बातें तो तब होंगी एक बार के काउंसिल में कि मेरी रिक्वेस्ट जैसे मैंने की है ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਔਨ ਸੀਟ ਟੂ ਸੀਟ ਬੇਸਿਸ ਕਿ ਕੋ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈਗਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਪਫੁਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸਰ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਨਵਿੰਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਊਟਫਿਟ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਦੈਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਐਵਰੀਵਨ ਸ਼ੁਡ ਐਕਸੈਪਟ ਦੈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੋ ਕਦੇ ਹਫਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ 10 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦੀ ਸਿਕਸ ਟੇਮ ਟਾਈਮ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਈ ਕਾਂਟ ਸੇ ਦਿਸ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਆਈ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦ ਫੀਲਡ ਬੋਥ ਅਰਬਨ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਨ ਆਰ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਦੇ ਲੁਕਿੰਗ ਇਹ ਫੋਰਥ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ That is Chinese views. I don't know who is destroying who. ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਬੇੜਾ ਕਰਤਾ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ
देखो कौन पंजाब लोग खराब कर रहे हैं, कौन बचाने की कोशिश कर रहे ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ अरे भाई ये तो कह रहे यू नो आई मैं बड़ा हैरान है थोड़े सारे दोस्तों कदे तुसी मैनू अकालियां नाल जोड़ देंगे कदे तुसी बीजेपी नाल जोड़ देंगे मैं कदों एज चीफ मिनिस्टर मेरी ड्यूटी की सी तुसी मैनू समझाओ एज चीफ मिनिस्टर मेरी ड्यूटी सी टू गेट पंजाब वर्क थ्रू आई हैव टू जॉब्स वन वाज जेल एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच मींस मेरी डीलिंग विद द प्राइम मिनिस्टर होम व्हिच इज द सिक्योरिटी मैटर्स दैट इज विद द होम मिनिस्टर Do you think the finance minister doesn't go twice or thrice a month to see the finance minister? Ashutosh Chandra, food minister, to visit two or three times. Agriculture minister, in October, to visit. It is the duty of the government to do it. And I remember, jado Manmohan Singh ji sarkar si, aur Mrs. Patel ne assembly ne vich kiya ke chief minister sahab, agar koi load pave to saadi ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਪੀ ਐਮ ਕੋਲ ਐਂਡ ਪੀ ਐਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਰ ਯੂ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਟੂ ਮੱਚ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਦੀਸ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਵਟ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਐਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਡਿਊਟੀ ਸੇਮ ਇਨ ਦ ਕੇਸ ਆਫ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ It's his duty to support us, and I can tell you now, and तुसी भी जानते होंगे कि कदे सानू ना नहीं कीती on any issue. They tried to help us. नहीं हो सकती सी, but जितने हो सकती सी, we got full support again from the Punjab government, not me, but now even Channi is getting full support from them. कैप्टन साहब ताड़ा गठजोड़ मुकाबला किस नाल देख रहे कांग्रेस आम आदमी पार्टी या अकाली दल किसी नाल ਰਸੇਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਂਸੀ ਮਾਂਡਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ चारों एसआईटी में लाती है
that by the High Court or new SIT is working. बाकी तीन SITs ने अपने केसेस कोर्ट्स के बीच पा देते ने ऑफिसर्स हैव बीन फ्रॉम डीजीपी डाउन इनको अरेस्ट करके उन्हें जब्त करते आए हुए हैं बाहर सो द केसेस आर प्रोसीडिंग मैंने कल भी ये सवाल पूछ रहे थे आई हैव डन माय ड्यूटी हूँ इस तो बाद की हूँ हाई कोर्ट के बीच या की हूँ लोकल कोर्ट से जो अपने आपसे मिलना आपके फार्म हाउस पर आना सर कुछ चुनिंदा मीडिया हाउसेस को तो ओके है वो बाद में तीन तीन बार आते हैं बाद में बोले बाद में बोले हम सर डेढ़ महीने से विमति से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके पांच मिनट पहले सर हमें मैं डेली फेवरेटिज्म ना होना सर आप सबके लीडर हैं सर आप पंजाब के लीडर हैं हम लोग भी नेशनल लीडर हैं सर आप नेशनल चेयर हैं सर हमारे लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये कारण क्या है जी क्यों नहीं मिल रहा था वीडियो मीटिंग में तो सोशल मीडिया बात आपकी पहुंचा रहे हैं Are you hinting at Nisha? No, I agree with you. I will take care of it. कैप्टन साहब कैप्टन साहब अगर पंजाब की राजनीति की बात करें तो हमेशा दो ही पार्टियां शुरू में लड़ती थी चाहे कांग्रेस हो या अकाली दल हो उसके बाद आम आदमी पार्टी आने के बाद तिकोना मुकाबला हो गया अब एक आपकी नई पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर लॉन्च हो रही है समय बहुत कम है लेकिन आप अपने आप को कहां देखते हैं मैं तो नंबर वन पे देखना कैप्टन साहब पहले से दस दफा भी दो हूँ रूबी और ये दोनों हो गए अगर आप ऑन द ग्राउंड एम ए स्ट्रॉन्ग है तो एमएलए ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਰੂਬੀ ਅਜੀ ਕਿਸੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਰੂਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪ ਇਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਲੰਧਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਗੈਰਾ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਂਡਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਮਾਈਕ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੋਰੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ कहती जब नहीं होता माई फिर कर लेता हूँ कैप्टन साहब तुहानू तनखाइया करार दिता ध्यान सिंह मान रहे तुहानू तनखाइया करार दिता ध्यान सिंह मेरी गल सुनो छेवें पातशाह की गली अकाल तख्त और अकाल तख्त का जतन आ गया वो जो मर्जी करे ये कौन होंगे ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ 70 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਡੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੈਟਸ ਇਟ ਕੈਪ ਗਿਵਨ ਦਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਟੂ ਗਿਵਨ ਇਟ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਾਏ ਕਿ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਂਕੜੇ ਸਭ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਦੇਖੇ ਫਿਊਚਰ ਇਜ਼ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫॉर ਪੰਜਾਬ ਫॉर द ਨੈਕਸਟ 5 ਇਅਰਸ ਨਾਟ ਫॉर द ਪਾਸਟ पास तो साड़ी कंप्लीट होगी लेट मी टेल यू 92% वी हैव कंप्लीटेड 13-14 इश्यूज नहीं कंप्लीट कर सके फॉर वन रीजन बिकॉज दे वर बेस्ड ऑन वैट एंड वैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय जीएसटी सो ओ इश्यूज अगर तुसी जोड़ो तो इट्स नियरली 94-95% ਮੇਰੇ
What I understand is that they are trying to make an issue of it by showing that we will arrest Manjita. But you cannot. This is a country which has a constitution, it has a law. You think for 4 years we will be investigated? What can we do? But you can't arrest people. Mere maa ke pehre, pakdo ji, madar ko andar karo ji, mujhe ko andar karo ji, zane ko karo andar, ye koi mahol bana rakhi hai. You have to have evidence. And enough evidence to arrest a man and prosecute him. But sir, the way Navjot Singh Sidhu is giving threat that he is sitting on the hunger strike, how do you see this? Because don't you think that he is trying to influence the court? And I think Sukhbir Badal for once is right. To be vice president of the International Shooting Association. It's an international body. So he is their vice president. That is it. But he is coming here to run this camp and this office for us. Will he contest the election? Will he contest the election? No, how can he? You can't. He must decide himself whether he wants to fight. I thought you were against families and all that. Thank you. ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਏ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲ ਸਿੰਘ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ सारे बेनती है प्लीज पहले जाके रौला पाउन लग पिया सारा यार क्या कर रहे हैं यार हेलो जा रहे ताई जी जा रहे हैं बाहर निकल दो प्रेस कॉन्फ्रेंस बने हुए यार हेलो यार पीछे हो यार क्या कर रहे यार वो नहीं आ रहे सारे मीडिया का असर कह दिन इतने पहुंचने से धन्यवाद करते हैं सारे को बेनती है सुपर में भी चला है चौबी घंटे एंड मेंबरशिप ड्राइव शुरू हो गई थी अब तो 10 दिन पहला ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ
किसान बिल वापस ले लिए हो लेकिन अभी भी वहाँ पर किसान लगातार धरना दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब तक एमएसपी पे गारंटी नहीं बनती वो वहाँ से नहीं हटेंगे। मैं किसानों को भी बेनती की थी पहला कि असी जो मेजर तीन इशू से मेजर तीन बिल से जिद मैंने विधानसभा पास करवाए से इन्होंने रद्द करते हुए और हम प्राइम मिनिस्टर ने करती पार्लियामेंट ने करती लॉ बन गया प्रेजिडेंट ने साइन कर दी जिन्हें बाकी इशूज ने एक प्राइम मिनिस्टर बना रहे ने कमेटी पर्टिकुलरली एम एस पी के इशू तोमर ने पार्लियामेंट कही है प्राइम मिनिस्टर एक कमेटी फॉर्म कर रहे हैं और ये भी पूछे कि तुम पांच बंदे अपने इन्ह की डिमांड सी कि साढ़े कुछ मैंबर उस कमेटी के मैंबर हो और नाम उन्होंने मंगे ने कि तुम भेज दो असं उस कमेटी शामिल कर देंगे एंड पांच नाम उन्होंने पाते नाउ आई थिंक बाय गॉड ग्रेस से एक बार हो गई कमिटमेंट एट दिस लेवल वी शुड एक्सेप्ट। पहली तार जेने बंदे लड़ेंगे उन्होंने तजर्बा अपनाई है दे आर देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन दे हैव एवरीथिंग एक सेटअप जरा है दैट इज ओनली सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और असी एडवर्टाइज करेंगे जो कुछ करना है वो साडा काम है बट कैंडिडेट अपनी इलेक्शन लड़ते हैं हूँ मैं अपनी गल दसा थोड़ा 1980 विच अजीत सिंह सरहदी नाल मेरी पार्लियामेंट्री चोन भी लड़ाई हुई और वो अजीत सिंह सरहदी की सीट अकालिया ने चार महीने पहले अनाउंस की थी मैंने 14 दिन में एंड आई वांट टू सी बाय दी लास्ट वन सो इट डजंट दिस थिंग डोंट मैटर। कैप्टन साहब जिस तरह से बातचीत चल रही है तो कांग्रेस गवर्नमेंट कह रही है कि पहले वो काम नहीं किए जो उन्होंने कुछ ही महीनों में पूरे कर दिए लगातार इश्तिहार दिए पहला तो मैं आज तुम्हें दसना चाहता हूं मैंने हंसी हो रही है जब मैं देख रहे हैं पेजा दे पेज रिएक्ट यार जी 100 करोड़ थे 200 करोड़ थे इन्हें पता भी है नंबर वन प्लानिंग स्टेज तो लैके इंप्लीमेंटेशन चार तो लैके एक साल चार महीने तो एक साल महीने तक लग सकता है। वर्ल्ड बैंक का मसला है एशिया डेवलपमेंट बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की केयर कॉस्ट शेयरिंग बेसिस से जो भी असं करते हैं ये तो सब ड्रामा कर रहे हैं इन्हों पता है सारे ये कुछ नहीं होना दो हफ्ते हफ्ते में तक थोड़ी कोर्ट लग जानी है फिर मैं थोड़ा यह दसना मैं दसना चाहता है और मैं गारंटी ने की है सारे क्या है कि जिन्होंने और अब उन्हीं विशाल आई हैव बीन सेइंग दिस मेरा ख्याल पता नहीं किन्ने साल किन्ने महीनों तो कि कौम अकाली पंजाब के जो असी प्राप्ति की है जो सा मैनीफेस्टो से 92% वी हैव कंप्लीटेड और मैं कट क्यों दिते एडे थमे पे ने मेरे को जरा थोड़े बच्चों देखना चाहते यू कैन कमेंट सी इट एंड अभी देते सर जो असं 92% करते 1 मिनट जो 92% करते प्लीज अंडरस्टैंड दैट द लास्ट वन हु डिड 83% वाज चंद्रबाबू नायडू इन आंध्र प्रदेश उस तो बाद अगर रिकॉर्ड है किसी ने कि आर गवर्नमेंट मेरी गवर्नमेंट अलायंस करना है पर बीजेपी ये कह रही है बीजेपी ये कह रही है कि अभी 117 सीटा में नहीं चल रहा हो गया सर हो गया मेरा दिखा यार हाँ जी
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨਾ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਲਡ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਦੈਟਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਵਿਦ ਆਰ ਪਾਰਟੀ and with Sita Sabha party state adjustment kara diya sir isko ko lekar kab tak aucharik elan hoga ki karte pe ho aaj ek baar